मोदी के परम मित्रों अंबानी और अडानी में जंग चल रही है। नहीं नहीं साहब, गोला बारूद और हथियारों की नहीं, अमीरी की जंग। और ताजा खबर यह कह रही है कि अमीरी की इस जंग में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है। और आप, कानपुर में हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे हो गए, 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक कचरा न्यूज चैनल देखते हैं और उस कचरा न्यूज चैनल के अंदर एक वाहियात प्रवक्ता जो है वो हजरत साहब के बारे में अनाप शनाप बोलती है और उसका नतीजा कानपुर है। वो तो कश्मीर फाइल्स बनाकर 200-300 करोड़ रुपए कमा जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, खुश होते हैं, और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आज भी यानी साल 2022 को भी कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि पिछले 26 दिनों में 10 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसमें 5 मुसलमान 5 हिंदू हैं। वो कश्मीरी पंडित डिप्रेशन में जा रहा है और उसके दर्द पर फिल्म बनाने वाले माला माल हो गए हैं। ये फर्क है उनमें और आप में। आप जो आम इंसान हैं, वो जो खासम खास हैं, वो जो सत्ता के गुलाम हैं। फर्क देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, किस तरह से अंबानी ने अडानी को एक बार फिर छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गौतम अडानी दुनिया के 5 धनी लोगों में से आ गए हैं और उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अब खबर जो आई है वो ये कि स्टॉक बाजार में रिलायंस के शेयर में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसका परिणाम यह है कि मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। आपके सामने यह खबर। खबर क्या कहती है? अंबानी रिक्लेम्स एशियाज रिचेस्ट टैग फ्रॉम अडानी, यानी कि एक बार फिर अंबानी भारत ही नहीं एशिया के सबसे धनी आदमी हो गए हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि रिलायंस के शेयर में जबरदस्त उछाल आई थी। अब इसके बाद मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है 99.7 अरब डॉलर्स और गौतम अडानी की कुल संपत्ति है 98.7 अरब डॉलर्स। यहां जंग चल रही है अमीरी की और आप लोग दंगे कर रहे हैं। यह फर्क है आप में और मोदी जी के मित्रों में। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये जो दिग्गज हैं, भूल जाइए देश के अंदर, ये लोग दुनिया में अमीरी की जंगे जीत रहे हैं, दुनिया में अमीर होते जा रहे हैं। आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था गौतम अडानी दुनिया के 5 धनी लोगों में से हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गौतम अडानी जिन 5 धनी लोगों में से हैं, उन 5 धनी लोगों का क्या हाल है। नंबर 1 पर हैं टेस्ला के प्रमुख ये शख्स इलॉन मस्क और इनकी कुल संपत्ति है 227 अरब डॉलर्स। दूसरे नंबर पर हैं अमेज़न के ये शख्स जेफ बेजोस और इनकी कुल संपत्ति है 149 अरब डॉलर्स। उसके बाद फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं तीसरे नंबर पर और इनकी कुल संपत्ति है 138 अरब डॉलर्स। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं इसके बाद 124 अरब डॉलर्स पर। और उसके बाद इन्वेस्टर वॉरेन बुफे जिनकी कुल संपत्ति है 114 अरब डॉलर्स। और इसके बाद 2-3 पायदानों के बाद जो है बारी किसकी आती है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की। इनके बीच ये जंग चलती रहेगी दोस्तों। मगर आप क्या कर रहे हैं? आपने कचरा न्यूज चैनल देखा, उस कचरा न्यूज चैनल के अंदर एक वाहियात प्रवक्ता ने हजरत साहब के बारे में एक बयान दिया और आप लोग जुमे की नमाज वाले दिन सड़क पर उतर आए, संघर्ष हुआ, टकराव हुआ, नतीजा कानपुर में दंगे, 35 लोग गिरफ्तार हो गए। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपको शानदार जीत मिली है, इस वक्त आपके सामने चुनौती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सुख शांति हो और काम चुपचाप होता रहे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे और देखिए साहब, ये वीडियो आपके सामने चल रहा है। इस वीडियो में वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोगों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से दंगे हो रहे हैं, और ये दंगे किसकी वजह से हो रहे हैं बताइए? एक वाहियात चैनल में एक प्रवक्ता एक वाहियात टिप्पणी करती है और उसी का परिणाम आपके सामने है।
और जो लोग सड़क पर उतर आए दंगे करने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे सामने महात्मा गांधी की सत्याग्रह की मिसाल है भाई। शाहीन बाग का आंदोलन जिस शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, वो मिसाल हमारे सामने है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंसा कब से एक विकल्प हो गया? अगर हमें लगता है कि हमारी भावनाओं को किसी ने आहत किया है, तो हमें कानून के सहारे अपनी जंग लड़नी चाहिए और कानून के सहारे जीत हासिल करनी चाहिए। हिंसा कब से रास्ता हो गया? और हिंसा तो कभी समाधान नहीं हुआ है। किसी को धमकाना कभी समाधान नहीं रहा है। बलात्कार की धमकी देना, सिर काटने की धमकी देना, यह कभी भी समाधान नहीं रहा है। सिर्फ कानून ही इसका एकमात्र समाधान है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेशकों से आकर कह रहे हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, मगर दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता जो बयानात देते हैं उसका नतीजा हमें उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में दिखाई देता है। ये तमाम चीजें अटपटी, अजीब, गरीब और वाहियात नहीं लगती आपको? इन चेहरों पर गौर कीजिए। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, 300 करोड़ की कमाई बताया जाता है इनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स ने की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी मौत के घाट उतार रहे हैं। पूरी तरह से खामोश हैं दोस्तों, पूरी तरह से खामोश हैं। वो कश्मीरी पंडित जो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात तक कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनकी बात आगे तक रखने को तैयार नहीं है। उनकी हालत क्या हो गई है, मैं आपको इस खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट। फर्क, वो लोग जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमाते हैं और वो लोग जो आज भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं और केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सामने भास्कर रिपोर्ट, 32 साल बाद फिर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन। दहशत ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। कर्मचारी बोले, हम डिप्रेशन में हैं। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सुरक्षा आश्वासनों के बावजूद घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन तेज हो चुका है। उत्तरी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ट्रांजिट कैंप से शेखपुरा बड़गाम के हाई प्रोफाइल आवास तक हर जगह सन्नाटा पसरा है। प्रशासन भले पलायन से इनकार कर रहा हो, लेकिन घरों में लटके ताले पलायन की गवाही दे रहे हैं। घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज और अनुसूचित जाति जैसी श्रेणियों में करीब 5,900 हिंदू कर्मचारी हैं। इनमें से 1,100 ट्रांजिट कैंपों के आवास में, जबकि 4,700 निजी आवासों में रह रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद निजी आवास और कैंप में रहने वाले कर्मचारियों में से 80% कश्मीरी कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। हालांकि अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कैंप के कई परिवार पुलिस प्रशासन के पहरे के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस अधिकारी कैंपों का नियमित दौरा कर रहे हैं ताकि पंडितों को दूसरे पलायन से रोका जा सके। उनके अंदर डर बैठ गया है और उस डर के चलते वो पलायन कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप उनके पलायन को रोक पाएंगे? चुनौती देता हूं मैं इस विवेक अग्निहोत्री को, तुम्हारी हिम्मत होगी कश्मीर फाइल्स 2 बनाने की? तुम्हारी हिम्मत होगी ये कहने की कि क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत होगी ये कहने की पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री एक बार भी कश्मीरी पंडितों से मिलने उनके रिहायशी शिविरों में नहीं गए? देश के गृहमंत्री अमित शाह आखिरकार सामने आए और अब वो कश्मीर पर बैठ के कर रहे हैं, मगर क्या वो कश्मीरी पंडितों से मिले? बताइए। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से आप चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, मगर कश्मीरी पंडितों से मिलने आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे आप, बताइए ना। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं देना चाहता। आप और हम सिर्फ इस नफरत से सराबोर होके खुद को पागल करते रहेंगे और दूसरी तरफ इनके दोस्त मलाई काटते रहेंगे, धनी होते रहेंगे, और हम जो हैं इस नफरत की दलदल में हमेशा दफन रहेंगे। इस फर्क को समझिए, फर्क को समझिए आप। मगर हां, आप में से कई लोग इस फर्क को नहीं समझेंगे, उल्टा आप में से कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे अनाप शनाप गालियां देंगे, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य साफ है। मुझे चिंता अपने बच्चों की है, मुझे चिंता आने वाली पीढ़ियों की है, मुझे चिंता युवाओं की है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस जहर से वो ब्रेन वॉश हों,
मैं चाहता हूं कि वो जिम्मेदार नागरिक बने ताकि वो अपना फर्ज निभा सकें। वो जिम्मेदार नागरिक जो इस केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करेगा, वो नागरिक नहीं जो अनाप शनाप फालतू घटिया चैनल्स देखकर सड़क पर उतर आएगा दंगे करने। मैंने हर बार आपसे कहा था, ये न्यूज चैनल्स मत देखिए, ये आपको दंगाई बना रहे हैं और कानपुर इसका एक प्रमाण है। और ये तो महज शुरुआत है, आप नहीं सुधरे तो हालात और भी बदतर होंगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।